देख सकते हो। ओहो, सुपर मैन। Man, guys, ओहो, मैंने इस पे 140 लेके गया अभी, बस थोड़ा। इससे पहले मैंने 135 टारगेट किया था, 131 किया, पर अभी जो मैंने इस पे किया वो 140 किया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर से एक बार मेरे चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं अभी फ़िलहाल एयरव्यू मोड़ पे हूँ। महानंदा ब्रिज क्रॉस कर चुका हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ बजाज का शोरूम। तो वहाँ पे मैंने कल ही फ़ोन करके पूछा था कि मैं संडे को आ रहा हूँ टेस्ट राइड करने के लिए डोमिनार 250। सो बहुत इच्छा था एक बार टेस्ट राइड करने को कैसा फील होता है। तो अभी 250 हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो अभी 250 का थोड़ा चलाएंगे, टेस्ट राइड करेंगे और अपना एक रिव्यू देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मेरे साथ। तो ये शोरूम पे आ गया है हम। फिलहाल तो आ चुका हूँ, अब जाना है ऊपर और देखते हैं शोरूम पे। ओके ओके भाई, थैंक यू। सो देख सकते हो, दिस इज़ द ब्रांड न्यू 250 डोमिनर, और अभी मैं इसका टेस्ट राइड करने वाला हूँ, जो कि हमारे बर्धमान रोड सिलीगुड़ी बजाज का है। सो उन सर को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर गिविंग मी द टेस्ट राइड। तो आपका नाम भाई? शिव। आप को किस पोजीशन पे हो? सेल्स पे। तो सेल्स पे ये भाई मेरे को टेस्ट राइड करने के लिए दे रहा है। सो अभी आता हूँ मैं टेस्ट राइड करके, बाइक का क्या फील है। तो इसका वो मज़ा आ गया। ये थोड़ा सा हवा ले रहा है क्योंकि इस पे फ्यूल एकदम ही फ्यूल कम है। फ्यूल कम मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको मेरा एक शॉर्ट राइड का रिव्यू दे देता हूँ। स्पीड ट्राई करते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल बहुत ही आराम से 131 क्रॉस कर लिया। सो दैट इज़ वेरी गुड। इसका पिकअप, इनिशियल पिकअप बहुत ही बढ़िया है, और इसका शिफ्ट इंडिकेटर भी, इसका स्लीपर क्लच बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है इसका क्लच। सो चलाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी फील होता है। अभी मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मैं ट्रॉन ले लेता हूँ। ओह up, man. Guys, ओहो, मैंने इस पे 140 लेके गया अभी बस थोड़ा। इससे पहले मैंने 135 टारगेट किया था, 131 किया, पर अभी जो मैंने इस पे किया वो 140 किया। तो 140 के स्पीड में मैंने अभी बस बाइक चलाया। दैट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग गाइज, मज़ा आया। द पावर इज़ सो गुड दैट आपको मतलब फील नहीं हो रहा कि आप दूसरा चला रहे हो। मुझे इसका इनिशियल पावर बहुत ही बढ़िया लगा। सो देख सकते हो दिस इज़ द बाइक गाइज। अभी अभी फ़िलहाल शोरूम से बाहर निकला है। इसका लुक देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया लुक है। इस पर आपको बता दूं कि 2 चैनल ABS भी मिलता है। इस पर पीछे भी ABS, आगे भी ABS। और इसका जो एग्जॉस्ट है, ये 2 ट्विन जो आया है, इसकी वजह से इसका साउंड बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है इसका। और देख सकते हो मैट फिनिश पे ये बाइक गाइज, आई लव दिस कलर। और इस एक रेड में भी आता है, तो मुझे ये कलर पर्सनली बहुत पसंद आया। इसका आपको बता दूं तो इसका पावर है 26.6 bhp, जो कि बाइक का हिसाब से बहुत बढ़िया है। आपको इसमें एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है, एलईडी और फुल एलईडी हेडलाइट भी मिल जाता है। ये ऑयल कूल इंजन है। और गाइज ये बता दो, ये ब्रांड न्यू BS6 मॉडल है। सो दिस इज़ द BS6 मॉडल गाइज। और इस पर लिक्विड कूल भी मिल जाता है, एवरीथिंग इज़ देयर। मोनोशॉक, सिंगल मोनोशॉक भी मिलता है आपको, स्प्लिट सीट मिलता है। अगर हम लोग इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का बात करें, 400 डोमिनार पे जो आता था, तो सेम टू सेम इस पर फिगर मिलेगा आपको। यहाँ पर आपका मिल जाता है हेडलाइट का, मैं अभी लगा देता हूँ, इसको न्यूट्रल बना लेते हैं पहले। सो न्यूट्रल में आ गया है। और आपको बता दूं तो ये जो क्लच है, ये स्लीपर क्लच है। सो दिस इज़ वेरी सॉफ्ट। और देख सकते हैं आपको टैंक पैड भी मिल जाता है। सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड नाइस प्रोडक्ट गाइस। तो अब मैं आपको ये बाइक रिकमेंड करता हूँ ख़रीदने को, अगर इफ़ यू गाइस वांट कि एक इनिशियल बजट पे मतलब एक नॉर्मल बजट पे आपको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, तो यू कैन गो फॉर इट। मतलब आप अगर ड्यूक 250 से भी कंपेयर करते हो तो उसका एक शोरूम प्राइस ही 2,10,000 है, तो अगर इसका एक शोरूम प्राइस 1,60,000 है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका ऑन रोड प्राइस हो गया आपका 160, तो मतलब 190 अभी मैंने बात किया था। तो सिलीगुड़ी में इसका ऑन रोड प्राइस है 1,90,000। थोड़ा सा वेरी करेगा आप दूसरा स्टेट से लेते हो, क्योंकि ये टैक्स वगैरह थोड़ा सा चेंजेस रहता है एवरी स्टेट का। तो 190 पे आपको ये बाइक मिल जाता है कंपेयर टू द ड्यूक 250। उसका आपको बहुत ज़्यादा, उसका तो एक शोरूम प्राइस ही 2,00,000 रुपये, 2,10,000 है। तो आपको एक ही 250, ये भी 250, वो भी आपको एक ही प्राइस पे मिल जाता है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका बजट थोड़ा सा लो है और आपको मिड रेंज का बाइक चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस बाइक। इसका BHP बहुत अच्छा है, जो कि कंपनी क्लेम करता है 135 टॉप स्पीड, पर अभी फ़िलहाल आपने देख लिया, अभी मैंने 140 का स्पीड डाला, इस पर 140 चल गया, जो कि बहुत ही मुझे इम्प्रेसिव लगा। सो गाइस देख सकते हो मेरे साथ में डोमिनार 250 है, तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। दिस इज़ द 250 डोमिनार मैट ब्लैक। और आई होप आपको अच्छा लगे ये वीडियो, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ। और यही है गाइज, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड पे, अगले कुछ नए लेके आएंगे, व्लॉग हो या फिर रिव्यू हो, जो भी हो मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक मुझसे बने रहिए। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।